एक ही रूम शेयर करते थे वो, और एक जो है यू नो ही यूज टू परफॉर्म ऑल दी गुड डीड्स, जितना भी एथिकल कंडक्ट ऑफ लिविंग होता है, यूज टू डू ऑल गुड 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 थिंग्स, लाइक अपनी मटीरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी है वो भी अचीव कर रहा है, उसके साइमल्टेनियसली वो जितना भी उसका स्पिरिचुअल पाथ है उसको भी अटेन कर रहा है, और यू नो ही इज हैविंग अ राइट वे ऑफ लिविंग, वेयर बाय जो यू नो देयर इज वन मोर पर्सन हु शेयर्स द रूम विद हिम, वो सब कुछ गलत, ड्रग्स नहीं, एल्कोहल कंज्यूम करता है, स्मोक करता है, गॉड में बिलीव नहीं करता, मतलब कंप्लीटली अनएथिकल वे ऑफ लिविंग. सो वन डे दे बोथ हैव कॉन्वर्जेशन विद ईच अदर, एंड द पर्सन हु परफॉर्म्स द बैड डीड, तो वो कहता है अपने काउंटर पर, अपने दूसरे पर्सन को जो उसका रूम शेयर करता है, कि वॉट इज द बेनिफिट कि आप सब कुछ राइट राइट करते हो, सब कुछ एथिकली कंडक्ट करते हो और मैं सब कुछ बुरा करता हूँ, तो क्या हमारी लाइफ में कोई डिफरेंसेस हैं या आपको क्या मिला वो अच्छा परफॉर्म करके. तो उन दोनों के बीच में ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई, तो उन्होंने बोला कि लेट अस यू नो जो भी हम यूजुअल अपना दिन का हमारा रूटीन होता है वो हम परफॉर्म करते हैं, एंड आफ्टर कमिंग बैक टू अवर प्लेस हम दोनों डिस्कस करेंगे कि हमारे पूरे दिन के अंदर मेरे साथ क्या अच्छा हुआ और आपके साथ क्या अच्छा हुआ, एंड वी विल कंपेयर कि किसकी लाइफ बेटर है. सो व्हेन दैट पर्सन हु यूज्ड टू परफॉर्म गुड डीड्स, जब वो अपने काम पर जा रहा था तो उसके पैर पे कांटा चुभ गया, एंड विच वॉज वेरी पेनफुल. तो एक ये इंसिडेंट उसके साथ बुरा हुआ, और वैसे बाकी जो पूरा दिन का रूटीन था वो एज यूजुअल था, और वेयर बाय द पर्सन हु यूज टू परफॉर्म बैड डीड्स, तो उसका यू नो व्हेन ही वॉज गोइंग, तो उसका यू नो ही फाउंड सम की किसी ग्राउंड के नीचे एक मटका पड़ा हुआ है, उसको ऐसे लगा, वो खोदने लग गया और उसने देखा उस मटकी के अंदर उसे एक गोल्ड का यू नो पहले गोल्ड के बहुत अशर्फियाँ बोलते थे उसको, कि उसको एक गोल्ड कॉइन समझ लो बट ऑफ वेरी वैल्यूएबल अमाउंट, उसको वो मिल गया, बट बाकी उसके अंदर जो है मटकी के अंदर सारे के सारे कोयले थे और उसको एक गोल्ड कॉइन मिल गया. एंड देन एज यूजुअल बोथ ऑफ देम वेंट बैक टू देयर रूम, एंड दोनों ने डिस्कस करा. वे वर द पर्सन हु यूज टू परफॉर्म गुड डीड्स, उसने बोला कि भाई आज मेरे साथ तो यू नो सब कुछ तो एज पर रूटीन था, बट एक बस ऐसा हुआ कि अनयूजअली मुझे एक कांटा चुभ गया, विच वॉज वेरी अनप्लेजेंट. एंड द पर्सन हु यूज टू परफॉर्म बैड डीड, उसने बोला कि मेरे साथ तो आज बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो इनफैक्ट एक घड़ा मिला, उस घड़े के अंदर से मुझे एक सोने की अशर्फी मिली, तो आई एम तो वेरी हैप्पी. तो ये सेट कि इसी आप तो इतने गुड डीड्स परफॉर्म करते हो फिर भी आपको कांटा चुभा, और मेरे को देखो मैं तो इतना बैड डीड्स परफॉर्म करता हूँ और मेरे को तो एक सोने की अशर्फी मिल गई. सो व्हाट इज़ द पॉइंट दैट यू आर हैविंग द एथिकल वे ऑफ लिविंग, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट. तो वो किसी एक स्पिरिचुअल गुरु के पास गए और ही बोथ ऑफ देम आस्क्ड, एंड पर्टिकुलरली द पर्सन हु यूज्ड टू परफॉर्म द गुड डीड ही वाज वेरी डिस्टर्ब, एंड सो ही आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मैं इतने अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, और ये तो सब जब से मैंने इसको देखा है अपने रूम में जब से रहता है, इसको कोई भी ढंग का कर्म नहीं करता ये, और देन ऑल्सो ई कोइंसिडेंटली गॉट दैट सोने की अशर्फी. सो दैट स्पिरिचुअल गुरु हैज़ दैट पावर कि ही कैन लुक इन टू दी प्रीवियस बर्थ. सो ही कॉन्सेंट्रेटेड, ही मेडिटेटेड, एंड देन ही सेड कि जो द पर्सन जो गुड डीड परफॉर्म करता है उसको उन्होंने बोला कि आपको एज पर योर पास्ट डीड आपको आज फांसी की सजा मिलनी थी बिकॉज यू परफॉर्म सर्टेन बैड डीड्स इन दी प्रीवियस बर्थ, बिकॉज ऑफ विच आज उसका फ्रूट आपको मिलना था फांसी की सजा, एंड सिंस बिकॉज कि आपने इस लाइफ के अंदर एथिकली अपना कंडक्ट रखा है, यू हैव एथिकली यू आर ऑन द राइटियस पाथ, यू हैव एथिकली परफॉर्म्ड एवरीथिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर परफॉर्मिंग गुड डीड, बिकॉज ऑफ दैट जो आपको इतनी बड़ी सजा मिलनी थी वो सूली का कांटा बन गया. सूली मतलब जो आपको फांसी मिलनी थी और उसका सिर्फ कांटा बनकर आपकी वो पनिशमेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गई. तो और रिगार्डिंग द पर्सन हु गॉट दी सोने की अशर्फी, दैट इज द पर्सन हु यूज टू परफॉर्म दी बैड डीड,
उसको ये बोला गया कि सी आपको आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे, किसी को दैट पर्सन वो किसी को बहुत ज़रूरत थी तो आपने उसकी हेल्प करी थी, किसी साधु संत को खिलाया था खाना, जिसके रिवॉर्ड में आपको आज के दिन में पूरा एक घड़ा मिलना था जो पूरा का पूरा सोने की अशर्फियों से भरा होता, बट यू कुड हैव नोटिस्ड कि उस पूरे के पूरे घड़े के अंदर सिर्फ एक सोने की अशर्फी थी और बाकी के सारे जो हैं वो कोयले थे, और वो कोयले एक्चुअली क्या थे कि वो सब सोने के गोल्ड के कॉइन्स थे जो आपके बैड कर्म की वजह से धीरे धीरे कोयले में या कोल में बदलते गए, और आपको डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरा घड़ा जो है वो सोने की अशर्फी से भरा हुआ आपको मिलता, उसकी जगह आपको सिर्फ क्या मिला, सिर्फ एक अशर्फी मिली बिकॉज ऑफ योर बैड डीड्स विच यू आर परफॉर्मिंग इन दिस पर्टिकुलर लाइफ।